हेलो एवरीवन। तो गाइस फाइनली हमारे पास शाओमी की तरफ से रेडमी एयरडॉट्स एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इसका कितना प्राइस मुझे पड़ा है और मैंने इसे कहां से ख़रीदा है, क्योंकि ये जो है अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी डिटेल के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइज मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस तरीके की पैकेजिंग जो है हमें देखने को मिल जाती है और ये जो प्रोडक्ट है मैंने banggood.com से ख़रीदा है। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इंडिया के अंदर इसका प्राइस 2000 रुपये है, लेकिन आप कुछ कूपन्स वगैरह यूज़ करते हो तो ये आपको 1000 रुपये तक में भी जो है मिल जाता है। तो फटाफट से इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके का जो है बॉक्स हमें एयरडॉट का मिलता है, ब्लू से कलर का एक कार्टेज बॉक्स हमें सिंपल। तो इस बॉक्स पे जो है पूरी तरीके से जो कुछ भी लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। सिंपल सा एक ये जो है रेडमी एयरडॉट सिर्फ यही पढ़ सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश में है। उसके अलावा सारा बॉक्स जो है आपको चाइनीज़ में देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इसको ओपन करके देख लेते हैं और हमारे एयरडॉट को बाहर निकालते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो एयरडॉट जो है हमें देखने को मिल जाता है डायरेक्टली केस के अंदर, और कुछ भी जो है इस बॉक्स के अंदर नहीं निकलता है, सब कुछ इसी के अंदर है। तो अभी थोड़ी देर के लिए इस केस को जो है हम साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं कि अंदर इस बॉक्स के क्या निकलता है। तो ये जो है मैनुअल कार्ड आपको मिल जाता है और इसके अंदर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको मिल जाएगी और हर ईयर साइज़ के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा टिप मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो इसका मैनुअल जो इसमें लगा हुआ रहता है मीडियम साइज़, वही सबसे बेस्ट होता है। अब इसके केस की अगर बात करें तो केस जो है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, मैट से लुक में हमें देखने को मिल जाता है, MI की ब्रांडिंग जो है हमें सामने मिल जाती है। तो भाई इसका जो फर्स्ट लुक एंड फील जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन इसका जो ऊपर का जो पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे जो है कम लगी है। लेकिन इसका प्राइस रेंज के अगर हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है प्रीमियम लुक दे देता है। इसके ईयरबड जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। अब इस चार्जिंग केस को मैं अगर पीछे से दिखाऊं तो आपको जो है यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं USB केबल के थ्रू, और MI की ब्रांडिंग जो है हमें सामने देखने को मिल जाती है। अब जो है अगर इस ईयरबड्स की बात करें तो ये ईयरबड जो है काफ़ी ज़्यादा पकड़ने में हल्के हैं। फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्का वेट इसमें लगा। उसके साथ साथ इसके जो ईयरबड्स हैं वो अभी इसमें मीडियम साइज़ के लगे हुए हैं और वेट में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। अब इसमें अगर मैं बता दूं तो इसमें आपको टच पैनल नहीं मिलता है, ये जो है बटन पैनल है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा कोई भी अदर फंक्शनैलिटी। अब अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं तो आप इन बटन के थ्रू जो है अपने गूगल असिस्टेंट या सीरी को इनेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं और फ़ोन को रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है फंक्शनैलिटी हमें इन बटन्स के थ्रू मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छे ईयरबड और प्रीमियम लुकिंग ईयरबड हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अगर मैं केस की बात करूं तो इस केस के अंदर अगर आप इसे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है चार्ज होने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट से इसको अपने फ़ोन के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूं। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको जो है फर्स्ट टाइम इसको इन दोनों को जो है एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा, या फिर किसी एक को भी जो है आप प्रेस करके रख सकते हैं और उसका नाम जो है आपके ब्लूटूथ लिस्ट में आ जाएगा और आपको उसको कनेक्ट हो जाना है। तो इसका जो दूसरा ईयरबड है, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, वो अपने आप जो है सिंक हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जो है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो है कनेक्टिविटी इसमें हमें मिल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस केस को ओपन करके इसको रख देते हैं और अगर आपकी कनेक्टिविटी ऑन है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर आप इसको चार्जिंग केस में रख देते हैं तो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली ये ईयरबड्स बंद हो जाएंगे और आपका म्यूज़िक वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी साउंड क्वालिटी भी मैंने टेस्ट की है और फर्स्ट इंप्रेशन में अगर बताऊं तो भाई काफ़ी अच्छा साउंड इसका है, लेकिन आपको इसमें पंची बेस नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका जो वोकल्स और साउंड क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बेस जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, बैलेंस बेस के साथ ये आता है, लेकिन साउंड क्वालिटी इतने प्राइस रेंज में ट्रू वायरलेस ईयरबड के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है।
आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो रेडमी एडॉप्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, नीचे एक लाइक का बटन होगा उसको प्रेस करके, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगा। और उसके साथ साथ मैं 2 से 3 दिन बाद इसकी जो है एक रिव्यू, डिटेल रिव्यू वीडियो डालने वाला हूँ। इसमें मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कुछ भी होता है, एक सब कुछ जो है एक अच्छी खासी एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना के उसमें आपको बताऊँगा। तो वो सब देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वो वीडियो जो है आप मिस ना करें। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।